ऐसा नहीं होगा, ऐसा वहाँ पे ऐसा हो सकता है सर, तो आप उसे गिरफ्तार करो। नहीं मान्या बहन जी, आज की भी एक सीमा होनी चाहिए, ये नहीं कि जांच चल रही है, एक सीमित दायरा में जांच हो जाए, समय सीमा में जांच हो जाए, और जांच में जो भी दोषी पाए जाए उनको सजा होनी चाहिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी इस घटना से बहुत दुखी हैं, और ये बहुत ही दुखी की घटना है कि जो बड़ी संख्या में लोग प्रशासन से जो ये मालूम हो रहा है कि 120-123 है, लेकिन हम सुबह से ही नेता कई गांव में गए, वहाँ मृतक परिवार राहत रस में घटना जहाँ निरंदा राव वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ भी कई परिवारों के मृतक परिवारों घर गया, मैं मिल करके आया, और अभी यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 3 हमारी बहनें प्रायः की हैं, माताएं और एक बच्चा इसका किया है। तो जो लोगों को कहना है कि ये जो दिखाई जा रही संख्या भी इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ शासन से कि इसकी सही जांच हो, जो मृतक हों इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक मदद करके उनका सम्मुख इलाज कराया जाए, और सरकार से मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। अगर प्रशासन के लोगों ने परमिशन दिया था और ये देखा कि जितना परमिशन की भीड़ के लिए दिया गया, अगर उससे ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो इस घटना होने का यही एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह न्यायिक जांच की बात कही, क्या मानते हैं कि प्रशासन के इनकी लापरवाही कितनी है? अब लापरवाही के रहते वो प्रशासन यहाँ तैनात रहा तो क्या निष्पक्ष? नहीं, निश्चित है कि मैं शासन से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी इसमें जो परमिशन दिए थे कार्यक्रम कराने के लिए, और परमिशन के बाद ज्यादा भीड़ होने के बाद फिर उस भीड़ के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई, तो इसमें प्रशासन दुखी है। तो निश्चित है कि इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी पाए जाए। जो अधिकारी आज तैनात है कहीं उनके रहते हुए नहीं, अगर उनके रहते हुए इस तरह घटना हुई है, अगर जहाँ जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। ये भी निकल के आ रहा है कि साजिश के तहत ये घटना नहीं, अब साजिश हुई तो ये इसकी जांच का विषय है। साजिश किसने किया? बाबा के वकील के द्वारा जो है बयान जारी, सिंह ने कहा है, एपी सिंह ने आज बयान दिया है, वो मौके पे नहीं, उनके द्वारा कहा गया है कि निश्चित ही एक साजिश है, और कई कई लोगों के द्वारा बाबा के जाने का एक साजिश की गई, और वहाँ नहीं, अगर ये साजिश है तो जांच का विषय यही है कि अगर साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और जो साजिश करता है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें? देखिए, अब इसमें जो दिखाया जा रहा है कोई 120 कहता है, कोई 123 कहता है, लेकिन जो मैं गाँव गाँव मृतक परिवार मिलने गया हूँ, जो वहाँ लोग थे, इनका कहना है कि संख्या और ज्यादा है, लेकिन तो जांच का विषय है, पता लगेगा कि इसमें जांच करना चाहिए ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये बताइए, ये दलित समाज के लोग हैं, हाँ, पार्टी की तरफ से क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या आर्थिक मदद उन्हें मिल जाएगी? देखिए, हम लोग जो भी संभव है वो हम मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है हमारे यहाँ, आगरा मंडल के और इधर आपके अलीगढ़ मंडल के, चाहे हमारे गोरेलाल जाटो जी हैं, सूरज सिंह जी हैं, हेमंत जी हैं, और इधर हमारे प्रताप सिंह बघेल एमएलसी साहब हैं, जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे, और यहाँ हमारे सभी जिलाध्यक्ष दोनों जन मंडलों के सभी लोग उपस्थित हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ता आज से नहीं कई दिनों से लगे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, मृतक परिवार से मिल रहे हैं, जो भी सहायता हो पा रही सारे लोग मिल के कर रहे हैं। निश्चित है कि इस वक्त मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि बड़ी घटना है, काफी लोगों के साथ ये घटना हुई है, और इस पे सरकार को पूरी तरह से इनको आर्थिक मदद, पीड़ित परिवार को, और जो उस तरह के परिवार है, जैसे भी हमने देखा एक कभी मिल के आ रहे हैं, उनका बेटा भी चला गया, एक ही बेटा था, पत्नी भी चली गई, ऐसे परिवार के लोगों में नौकरी भी इनको मिलनी चाहिए जो उसके लायक हो, और इनको आर्थिक मदद ही अच्छी मदद होनी चाहिए। इस मदद जो दे रही सरकार, इससे उन लोगों का काफी चलने वाला है। देखिए, ये जांच का विषय है, जब ये हो रहा, साजिश भी हुई है तो मैं चाहता हूँ जांच हो कि क्लियर हो कि कौन सी साजिश है, कैसी साजिश है, और साजिश जो हो रही है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है सर, तो आप उसे गिरफ्तार करो। नहीं मान्य।